हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज देखिए पम्पू का मसाज हो रहा है और ठंड के वजह से मैं कमरे में ही मसाज कर रही हूँ रूम हीटर लगा के। और ये पीठ में इस तरीके से मसाज करना चाहिए, देखिए ऑयल लगा के। और मैं सरसों का ही तेल इस्तेमाल करती हूँ और वो ठंड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हल्का गुनगुना तेल इस्तेमाल करती हूँ, हीटर के पास रख के उसको गर्म कर करके मालिश करती हूँ। आप आग पे भी गर्म करके मालिश कर सकते हैं। ये देखिए पैर का पंजा को मालिश कर रही हूँ, इससे उसको ठंड नहीं लगेगी करके मैं उसको मालिश कर रही हूँ। और मैं सरसों के तेल में काफ़ी कुछ डाल के वो करती हूँ। मैं आपको उसका भी वीडियो बना के, अगर चाहिए तो मैं बना के दूँगी कि छोटे बच्चों को ठंड के लिए कैसे सरसों का तेल में क्या क्या डाल के उसको बनाना चाहिए, जो कि उसको ठंडी ना लगे और मजबूत भी रहे और काफ़ी अच्छा भी रहता है। उसके पैर का मसाज कर रहे हैं। ये मेरी अभी 3 मंथ की बेबी 10 तारीख को होगी, अभी हुई नहीं है। और अब उसको सीधा करके तब फिर से मसाज करूँगी उसका आगे से सीने में मालिश। देखिए गले के पास अक्सर क्या होता है, बच्चों का गला एकदम चिपका हुआ होता है तो उसमें गंदगी जम जाती है। और ठंड में हम लोग बच्चों को, वैसे भी यूपी में बहुत ज़्यादा ज़्यादा बारिश और ठंड बहुत ज़्यादा इस समय पड़ रही है, तो हम लोग उसको नहला नहीं रहे हैं और पानी से उसको वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो हम थोड़े बचा के रखते हैं उसको। तो वही गुनगुने तेल से ही उसको साफ़ कर देती हूँ मैं। देखिए किस तरीके से उसका हाथ का मालिश कर रही हूँ, कैसा तेल लगा के इस तरीके से मालिश करने से उसको जो साफ भी हो जाता है और बच्चा मसाज भी अच्छे से हो जाता है। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको जो मैं बच्चे को अपने तेल मालिश कर रही हूँ वो जानना है कि मैं अपना बच्चे के लिए कैसे मैं तेल घर ही पे बनाती हूँ वो जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सीने का मसाज हो रहा है इस तरीके से। और मसाज करने से सुबह सुबह मसाज करके उसको, जब भी वो उठती है तभी मैं थोड़ी देर में उसको मसाज कर लेती हूँ और थोड़ा सा सेक भी देती हूँ उसका पैर हाथ को हीटर से, कपड़ा भी पहना देती हूँ तो उससे वो ठंड से बची रहती है और उसको आराम भी रहता है क्योंकि दिन भर हाथ पैर चलाती है और दिन भर तो इतनी ठंड में मालिश हो नहीं पाती है, तो एक बार सुबह सुबह हो जाता है तो उसको आराम रहता है, नहीं तो हाथ पैर चला के खेलती है तो उसको फिर थक जाती है, तो वही रोना चिड़चिड़ापन बच्चे को अक्सर होता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही मालिश कर देती हूँ। तो ये रोती उती कम है और परेशान भी कम करती है, खेलती ज़्यादा है इस वजह से। देखिए पम्पू कितना अच्छे से मालिश करा रही है, जल्दी रोती भी नहीं है मालिश कराते समय। अब ये उसके हाथ का अच्छे से मसाज करके और उसको ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं तरीके से। मम्मी लोग तो कहती हैं ये हाथ पैर अच्छा सीधा करने के लिए होता है क्योंकि पेट में रहते हैं तो मुड़े मुड़े रहते हैं, तो इस तरीके से करने से धीरे धीरे उनकी नसें सीधी हो जाती हैं और पैर सीधा होने लगता है, हाथ सीधा होने लगता है, इसीलिए ऐसे करते हैं। ये एक्सरसाइज भी है एक तरीके से बच्चों का। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो।
और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकें। और इसी तरह से मुझे और मेरी बेटी को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।